अगर सरकार पैसों पे समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दे, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापस दे देंगे। थोड़ा था जब पीछे धन्यवाद सभी लोगों का जो प्रेस के साथ के हमारे यहाँ पे आए। ये जो चार दिन का पूरा प्रकरण लखीमपुर खीरी का जो ये हुआ है, पीछे हटो फिर, ये जो घटना यहाँ पे हुई है उसमें आज लास्ट को अंतिम संस्कार करवाया और दोबारा पीएम हुआ एक बॉडी का, उसकी क्या रिपोर्ट आई होगी वो पूर्ण रूप से अभी बंद है और अधिकारी के पास में होगी। लेकिन जो भी समझौते हुए उसमें फिर मंत्री का एक बयान आया कि हमारा और किसानों का समझौता होगा। किसका बयान आया? किसी मिनिस्टर का बयान आया, वो शायद आपके पास में आ जाएगा, अभी आज नहीं होगा तो आ जाएगा कि हमारा किसानों का समझौता होगा। अमित पात्रा ने प्रेस की, उन्होंने कहा है। हाँ, किसने भी कहा है, हमारा पैसों का समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पे समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दे, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापस दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए, हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे उन्होंने, जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे दो दिन पहले, और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ। सरकार ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है